शंकर के पिता के गुजरने के बाद सारे परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई, इसलिए उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। शंकर का एक छोटा भाई था शशांक। ये ले तेरे फीस के पैसे। भैया स्कूल जाना जरूरी है क्या? क्या मतलब? मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल छोड़कर कोई काम ढूंढ लूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तेरा भाई जिंदा है, अगर तू भी पढ़ नहीं पाया तो मैं बाबा को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा भी नहीं पाया। तुझे पढ़ना होगा और बहुत पैसे कमाने होंगे, समझा? जी भैया। शशांक अक्सर सोचा करता था कि कैसे वो अपने बड़े भाई की मदद करे, कैसे वो भी पैसे कमाए। माँ ऐसा कोई काम नहीं है क्या जो मैं कर सकूं? पर तुझे काम क्यों करना है? भैया अकेले सारा दिन मजदूरी करते रहते हैं, काश मैं भी उनकी मदद कर पाता। जरूर करेगा, भगवान ने चाहा तो तू उसकी मदद जल्द ही करेगा। अब फिलहाल तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी भगवान जी से प्रार्थना कर। शशांक हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता। भगवान जी प्लीज ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं अपने भाई की मदद कर सकूं, प्लीज भगवान जी। और एक दिन भगवान जी ने शशांक की सुन ही ली। शशांक स्कूल से घर लौट ही रहा था कि उसका ध्यान नहर पे गया। नहर में एक कुत्ते का बच्चा डूब रहा था। शशांक को उस पर दया आ गई और शशांक खुद पानी में उतरा और उस डूबते हुए कुत्ते के बच्चे को किनारे पर ले आया। दोस्त नहर में वापस मत जाना वरना फिर से डूबने लगोगे। उस कुत्ते के बच्चे को किनारे पर छोड़कर शशांक आगे बढ़ने लगा, तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और वो पीछे मुड़ा। क्या हुआ दोस्त? उस कुत्ते के बच्चे के दांतों में एक गुड़िया थी। शशांक कुत्ते के पास गया। ये क्या, मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम मुझे ये उपहार देना चाहते हो क्या? ठीक है मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। शशांक ने कुत्ते के बच्चे को सहलाया और फिर वो गुड़िया लेकर वहाँ से निकल गया। शशांक उस खेत में चला गया जहाँ शंकर मजदूरी करता था। शंकर अपने काम में मगन था और शशांक शंकर का इंतजार करने लगा। शशांक बोर हो रहा था, वो गुड़िया से बातें करने लगा। हेलो, काश तुम एक जादुई गुड़िया होती तो तुम मेरी हर विश पूरी करती। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए, काश तुम मुझे खाना दे पाती। और बस तभी शशांक के सामने खाने के ढेर सारे पकवान आ गए। शशांक अपनी आंखें मसलने लगा, तभी शंकर भी वहाँ पहुँचा। ये क्या, इतने सारे पकवान, तू कहीं से चोरी करके आया है क्या? नहीं भैया बिल्कुल नहीं, ये खाना इस गुड़िया ने लाया है। क्या बकवास कर रहा है? जी भैया ये मामूली गुड़िया नहीं है बल्कि जादुई गुड़िया है। मैं स्कूल से लौट रहा था तभी मुझे। शशांक ने अपने बड़े भाई को गुड़िया की पूरी कहानी बताई। अभी मैंने इससे कहा कि मुझे भूख लगी है और देखिए इतना सारा खाना आ गया। मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, एक काम कर इस गुड़िया से पैसे मांग। ठीक है भैया, गुड़िया मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। और दोनों भाइयों के सामने नोटों की गुड़िया आ गई। दोनों हैरान थे। ये तो सच में जादुई गुड़िया है। मैंने कहा था ना आपसे भैया। वो नोट हवा में उड़ाने लगे और खेत में काम कर रहे मजदूरों का ध्यान नोटों पर गया। भैया नोट उड़ रहे हैं भैया। अरे नोट छोड़, गुड़िया ले और यहाँ से निकल, जल्दी चल इससे पहले कि कोई देख ले। चल 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 यहाँ से निकल। शशांक और शंकर दोनों अपने घर की ओर दौड़ पड़े। खेत के मजदूर नोटों को जमा करने में लग गए। जब सारे नोट खत्म हो गए तब आखिर दोनों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी आंखों से देखा, शंकर के भाई ने गुड़िया से खाना मांगा और ढेर सारा खाना आ गया, और फिर पैसे मांगे तो ये सारे नोट आ गए। मतलब वो गुड़िया जादुई है? हाँ। हमें वो गुड़िया उन दोनों से लेनी होगी। हाँ 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 लेनी होगी, चलो मेरे साथ। शशांक और शंकर घर के पास पहुँचे। मुझे लगता है गांव वालों को इस गुड़िया के बारे में पता चल गया है। अब क्या करें? तू इस गुड़िया को सामने वाले पेड़ पे छुपा दे, हम बाद में इसे ले जाएंगे। ठीक है। शशांक ने वो जादुई गुड़िया पेड़ पर बांधी और वो अपने भाई के साथ घर के अंदर चला गया। वो लोग घर पहुँचे ही थे कि सारे मजदूर वहाँ पहुँच गए। वो जादुई गुड़िया हमें दे दो। कौन सी गुड़िया? वही गुड़िया जो तुम्हारा छोटा भाई लाया था।
उसके पास कहां से आएगी गुड़िया? झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसने जादुई गुड़िया से खाना मांगा और खाना आ गया, फिर पैसे मांगे और पैसे आ गए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लगता है तुम लोगों ने नशा किया है। नशा वशा छोड़ दे, चुपचाप वो गुड़िया हमें दे दे, वरना तेरे भाई और माँ जिंदा नहीं बचेंगे। एक मजदूर ने शशांक को पकड़ लिया और दो मजदूर ने उनकी माँ को। अब जादुई गुड़िया देता है या तेरे भाई की गर्दन मरोड़ दूं? मैं सब बताता हूँ, पहले मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ दो। मजदूरों ने दोनों को छोड़ दिया। माँ और शशांक रो रहे थे। घर आते वक्त मैंने और शशांक ने वो गुड़िया घर के बाहर वाले पेड़ पर लटका दी थी। ये हुई ना बात, मैं वो गुड़िया लेकर आता हूँ। एक मजदूर घर के बाहर आया और फिर वो चिल्लाने लगे, बाहर आओ, सभी लोग बाहर आओ। जब सब लोग बाहर पहुँचे तो दंग रह गए, पेड़ पर लाखों गुड़ियाएं लटकी थीं। ये क्या, इनमें से वो जादुई गुड़िया कौन सी है? मुझे क्या पता, तूने देखी थी ना, सभी की सभी एक जैसे दिख रही हैं। अब क्या करें? सारी गुड़िया निकाल कर देखते हैं कौन सी गुड़िया जादुई है जो इच्छा पूरी कर सके। मजदूरों ने सारी गुड़ियाएं नीचे उतारी और तुरंत पेड़ पर और ढेर सारी गुड़ियाएं आ गईं। वो सारी गुड़ियों ने मजदूरों को घेर लिया। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, तुम सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। गुड़ियाएं सारे मजदूरों को मारने लगी, मजदूर यहाँ वहाँ भागने लगे। बचाओ बचाओ, सारे मजदूर वहाँ से भाग गए और फिर अपने आप सारी गुड़ियाएं एक गुड़िया में विलीन हो गईं और शशांक के हाथों में आ गईं। मेरी प्यारी जादुई गुड़िया। शशांक ने जादुई गुड़िया को किस किया और बोला, जादुई गुड़िया मेरे इस घर को हवेली में बदल दो और इसे धन धान्य से भर दो। शशांक के बोलते ही वो छोटी सी कुटिया हवेली में बदल गई। पूरा परिवार खुश था। जब तीनों भीतर गए तो घर के अंदर सोना चांदी और अनाज भरा हुआ था। भगवान ने तेरी बात सुन ली, अब तेरे भैया को मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। आई लव यू जादुई गुड़िया। जीवन बहुत ही गरीब था, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन पायल थी। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बेटा ये तो ठीक है, तेरी इस पगार में हमारा जैसे तैसे कट जाता है, पर अब पायल बड़ी हो रही है, कुछ बरस में उसकी शादी करनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, इसलिए सोच रहा हूँ एक और काम ढूंढ लूँ। कैसा काम बेटा? कल लल्लू मिला था, बोल रहा था बाहुबली सेठ को खेतों की रात की निगरानी के लिए कोई आदमी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया कि मैं कल से आ जाऊंगा। पर बेटा तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात भर जागना कैसे होगा? हो जाएगा सब माँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से जीवन ने दिन में मजदूरी और रात में निगरानी करने का काम शुरू कर दिया। वो बारिश का मौसम था। सुबह जब जीवन वापस अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में पानी भर चुका है और एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक छाता था। क्या हुआ माँ? पानी भरा हुआ है, मैं कैसे आगे जाऊंगी? बस इतनी सी परेशानी, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ, आओ। जीवन ने उस बूढ़ी औरत को गोद में उठा लिया और उसको रास्ता पार करवा दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत भले हो। तभी बादलों में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम मेरा ये छाता ले लो। नहीं नहीं अम्मा, इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ले लो बेटा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं प्यार से दे रही हूँ, ले लो। जीवन ने छाता लेने के लिए हाथ आगे किया और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें गिरने लगी। वो ऊपर देखने लगा। देखो अम्मा, छाता लेते ही बारिश शुरू। पर जैसे ही जीवन ने सामने देखा तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। अब बस उसके हाथ में वो जादुई छाता था। अम्मा कहाँ गई?
इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती हैं? जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बारिश आती देख उसने वो छाता खोलने की सोची। जैसे ही उसने वो छाता खोला तो छाते के अंदर प्रकाश ही प्रकाश था। छाता सोने की तरह चमक रहा था। ये क्या अद्भुत! जीवन ने वो छाता बंद किया और भागते हुए अपने घर आया। माँ, माँ, छोटी, छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये देखो माँ, आज मुझे क्या मिला? ये तो एक छाता है। ये कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है माँ। जीवन ने अपनी माँ को वो छाता खोल के दिखाया तो उसमें से वापस प्रकाश निकला और वो छाता सुनहरा हो गया। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है, जो चाहोगे वही पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है, बहुत सारा खाना चाहिए। ऐसा बोलते ही सोने के छाते में से खाने की चीजें गिरने लगी। ये देखकर तीनों चौंक गए। ये जरूर कोई जादुई छाता है। अब बोल कि तुझे सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। सोने के छाते में से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्कों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये छाता आपको कहाँ से मिला? वो मैं घर लौट ही रहा था कि जीवन ने उसे उस बूढ़ी औरत की घटना बताई और साथ ही बताया कि वो किस तरह से गायब हो गई। हम पर भगवान की कृपा हो गई। ये देख बेटा, मैं सोच रही थी कि पायल की शादी कैसे करवाएंगे, पर अब हमारे पास इतना सोना है कि हम सारे गांव को बांट सकते हैं। ऐसे ही करेंगे अम्मा। जीवन ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने के सिक्के अलग कर दिए। इतने हमारे लिए काफी हैं। बाकी के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटकर उनका भी भला करेंगे। हाँ मेरे लाल। फिर क्या था, जीवन ने वो सोने के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। ये बात लल्लू ने बाहुबली को बताई। हाँ मालिक, वो जीवन सारे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा है। कल तक तो खुद ही फकीर था, पैसों के लिए दर दर भटक रहा था, अचानक उसके पास इतना सोना कहाँ से आ गया? हो सकता है उसे हमारे खेतों में सोना मिला हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, पर उस सोने पर हमारा हक है, बस मेरा। तू पता लगा लल्लू, आखिर माजरा क्या है? बाहुबली ने लल्लू को जीवन पे नजर रखने के लिए भेज दिया। लल्लू ने देखा कि जब जीवन छाता खोलता है और सोने के सिक्के मांगता है तो उस छाते से सोने के सिक्के गिरते हैं। तो ये जादुई छाता है, मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। लल्लू वहाँ से दौड़ के बाहुबली के पास गया और जो उसने देखा वो बता दिया। तुझे यकीन है कि वो छाता जादुई है और सोने के सिक्कों की बारिश करवाता है? हाँ मालिक, छाता खोलते ही सोने का हो जाता है और फिर सोने की बारिश होने लगती है। ठीक है, तो चल वो छाता वापस लेते हैं। बाहुबली तमतमाता हुआ जीवन के घर आया। उस सोने के छाते पर बस मेरा हक है। और बाहुबली ने जीवन के हाथ से वो छाता खींच लिया। पर जैसे ही बाहुबली ने वो छाता खोला तो उसमें से बहुत सारा कीचड़ बाहुबली के चेहरे पर गिर गया। तूने तो बोला था ये सोने का छाता है, ये ले जीवन, ले अपना सड़ा हुआ छाता, और लल्लू आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक। बाहुबली लल्लू को पीटने लगा और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर जीवन ने वो छाता उठा लिया। लगता है इस छाते का जादू खत्म हो गया, अब हम किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। जीवन निराश हो गया पर फिर भी उसने छाता खोलने की कोशिश की
और एक बार फिर वो छाता प्रकाश से भर गया और सोने के छाते में बदल गया। अंदर फिर से कुछ लिखा है, सोने का छाता बस सोने के मन वालों को ही मिलता है, दूसरों की मदद करते रहना। तीनों खुश थे कि सोने के छाते से वो और लोगों की मदद कर सकते थे। जीवन के मन में दूसरों की मदद करने का भाव था, इसीलिए वो छाता सोने का छाता बनकर सोना देता गया। और बाहुबली के मन में लालच था, इसीलिए सोने के छाते ने उसे कीचड़ दिया। इस कहानी ने हमें समझाया कि जैसी नियत वैसी बरकत।